देश के नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। इस शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बिहार के सभी विधान परिषद के सदस्य भी देख पाएंगे। इस ऐतिहासिक क्षण का भागीदार हर माननीय हो सके, इसकी तैयारी की गई है। विधान परिषद ने शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सचिवालय भवन में करेगी। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण में मैं खुद शामिल होऊंगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सभी इसे जीवंत तौर पर देख पाएंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। हालांकि संसद भवन शिलान्यास पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने नए संसद भवन के शिलान्यास पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि किसान और कोरोना की चिंता पहले करनी चाहिए, भाषण और शिलान्यास के बजाय किसानों की समस्याओं पर ध्यान दें। आज भाषण भी सुनने की बाध्यता हो रही है। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन का आरजेडी ने विरोध करते हुए कहा कि पुराने संसद भवन में क्या समस्या थी जो नया बन रहा है। पार्टी के नेता सुबोध राय ने कहा कि सिर्फ नाम के लिए ये काम हो रहा है, पीएम इन कार्यों से अमर होना चाहते हैं, किसानों की समस्या पहले खत्म होनी चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष के विरोध पर जेडीयू ने कहा है कि संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर होता है, इस पर सियासत की बात नहीं होनी चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि मंदिर के निर्माण पर विपक्ष सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष किसान के नाम पर सिर्फ भ्रम फैला रही है। किसानों के लिए एनडीए ने ही काम किया है और आगे भी करेगा। आरजेडी चरवाहा विद्यालय के दौर में जी रही है। हालांकि आपको बता दें, जिस शिलान्यास पर इतनी सियासत चल रही है उसका निर्माण तभी शुरू हो सकेगा जब कोर्ट उसे मंजूरी देगी। अभी उसके निर्माण की मंजूरी हाई कोर्ट से नहीं मिली है।